आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स ये किस तरह का रिफ्लेक्स होता है कि जब भी कोई मसल फाइबर है, जैसे ये मसल पड़ा हुआ है, हम इस पर कोई स्ट्रेच अप्लाई करें तो क्या होता है कि मसल की रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। इस मसल की भी हो सकती है जिसको स्ट्रेच किया, या इसके साथ कोई बड़ा सा एनर्जेस्ट है जो इसके एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, उसकी भी हो सकती है। इस रिफ्लेक्स को कहते हैं मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। होता क्या है, मसल की बेली के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इनको कहते हैं मसल स्पिंडल, ये दिखाए गए। अब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, जब भी मसल के ऊपर स्ट्रेच अप्लाई किया जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इनसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन नर्व फाइबर के थ्रू जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। अब कौन से नर्व फाइबर सेंसरी इन्फॉर्मेशन मसल स्पिंडल से लेके जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये मसल स्पिंडल है अगर सारा, तो इसके सेंट्रल एरिया से भी मसल फाइबर सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं और पेरिफेरल एरिया से भी लेके जाते हैं। यहाँ बुक में उसने एक ही फाइबर शो किया गया, वो फाइबर जो सेंट्रल एरिया ऑफ द मसल स्पिंडल यानी इंट्राफ्यूजल फाइबर था, क्योंकि मसल स्पिंडल का पार्ट जो होता है इंट्राफ्यूजल फाइबर, वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करता है। अगर उसके रिसेप्टर पोर्शन के सेंट्रल पार्ट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जारी है तो ये नर्व फाइबर जो लेके जा रहे हैं इनको टाइप वन फाइबर्स कहते हैं, वन ए फाइबर, या प्रॉपरली रिसेप्टिव नर्व फाइबर्स कहते हैं। इनका डायमीटर होता है 17 माइक्रोमीटर। ये एंटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न से और क्या करते हैं, एक ब्रांच देते जो आके इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, ये इंटीरियर हॉर्न है, इसके मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनैप करती है और फिर क्या होता है, गैमा मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं और उसी मसल से जहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई थी उसी को आके क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन उसकी करवा देते हैं। अब इस तरह ये तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेंसरी आफरेंट निकले, तो जब मसल को स्ट्रेच किया था तो इसके साथ साथ सेकेंडरी सेंसरी आफरेंट भी निकल सकते हैं, उनका कोर्स भी यही होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होकर वो खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं इन द इंटर न्यूरॉन्स, और उसके बाद क्या करते हैं, डिलेड सिग्नल देते हैं टू द एंटीरियर हॉर्न मोटर न्यूरॉन को, जिससे मोटर न्यूरॉन्स आके फिर इसी तरह मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब पूरा पाथवे देखें कि सेंसरी रिसेप्टर कहाँ से एक्टिवेट हुआ, मसल स्पिंडल से, फिर कॉर्ड में गए, फिर गैमा मोटर न्यूरॉन ने आके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, पूरे पाथवे में क्या है, एक ही जगह साइनैप बन रहा है जिसमें सेंसरी नर्व फाइबर प्राइमरी सेंसरी आफरेंट किसके साथ साइनैप करे, गैमा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इस रिफ्लेक्स को कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब मैं इसकी आपको बता दूं, दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक रिफ्लेक्स भी हो सकता है, डायनेमिक रिफ्लेक्स भी हो सकता है। अगर तो मसल के ऊपर स्ट्रेच अप्लाई किया गया और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो मसल की लेंथ फ्यू माइक्रोमीटर चेंज हुई, उस टाइम पे ये जो है जैसे ही माइक्रोमीटर चेंज आया लेंथ में मसल की, तो इसने सिग्नल सेंड करना शुरू कर दिया किसको, स्पाइनल कॉर्ड की को, और फिर मोटर सिग्नल जनरेट होने शुरू हो गए, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो, इस तरह के रिफ्लेक्स को कहते हैं डायनेमिक रिफ्लेक्स। डायनेमिक रिफ्लेक्स होता है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और इसका काम क्या होता है कि मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मसल को स्ट्रेच किया ना, तो मसल की लेंथ में फ्यू माइक्रोमीटर की चेंज है, मसल ने क्या करना है, अब अपने लेंथ में आने वाली चेंज को अपोज करना है, तो ये फ़ौरन इम्पल्सिस भेजेगा किसको, थ्रू द डायनेमिक रिफ्लेक्स। तो डायनेमिक रिफ्लेक्स क्या करता है कि मसल की लेंथ में आने वाली चेंज को अपोज करता है, लेकिन अगर मसल के ऊपर स्ट्रेच स्लोली इंक्रीज होता रहे तो क्या होगा, स्लोली इससे नर्व फाइबर सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले जाते रहेंगे और अल्टीमेटली मोटर फाइबर निकलते रहेंगे, तो इस तरीके से क्या रहेगा कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी फार पर लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल है वो मेंटेन हो जाएगी। तो ये है स्टैटिक रिफ्लेक्स। अब मैं बताता हूँ आपको ये रिफ्लेक्सेस जो थे दोनों, इनके बारे में ना गाइडन में डिफरेंट पैराग्राफ में ना स्कैटर्ड कंटेंट लिखा हुआ, तो मैंने इसको समराइज़ किया, आप इसको याद कर लें कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या क्या डिफरेंसेज है। पहला डिफरेंस तो ड्यूरेशन का है, डेफिनेटली स्टैटिक प्रोलॉन्ग होता है और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। दूसरा, कौन से मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं स्टैटिक रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व, गैमा एस न्यूरॉन्स, और जो डायनेमिक में इन्वॉल्व होते हैं उसको गैमा डी न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन से नर्व फाइबर सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं स्टैटिक रिफ्लेक्स के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आफरेंट दोनों ही होते हैं, जबकि प्राइमरी सेंसरी आफरेंट जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं इन द डायनेमिक रिफ्लेक्स। अब रिसेप्टर्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियर चेन फाइबर जो इंटरफ्यूजल फाइबर बताया था, दो तरह के होते हैं, चेन वाले और बैग वाले, अगर न्यूक्लियर चेन की फॉर्म में तो वो रिसेप्टर्स होंगे इन्वॉल्व होंगे इन द स्टैटिक रिफ्लेक्स, जबकि न्यूक्लियर बैग फाइबर जो होंगे इंटरफ्यूजल फाइबर वो इन्वॉल्व होंगे इन द डायनेमिक रिफ्लेक्स। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्स्टेंट करता है स्टैटिक रिफ्लेक्स, जबकि लेंथ में आने वाली चेंज को अपोज करता है डायनेमिक इफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि डैम्पिंग फिनामिना या एवरेजिंग फंक्शन अक्सर वाइवास वगैरह में पूछ लेते हैं मसल स्पिंडल का क्या फंक्शन होता है। अब होता क्या है कि जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, इससे जो मोटर सिग्नल आए मसल के लिए, लेट्स सपोज ये कॉर्ड है, कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स जो निकलेंगे जाके इन्होंने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो ये जो सिग्नल निकले ना, ये सिग्नल कॉन्स्टेंट नहीं इंटेंसिटी के होते, बल्कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, मतलब इस तरह होते हैं, रैंडम होते हैं, कभी इंटेंसिटी बढ़ गई कभी कम हो गई। जब इस तरह के सिग्नल मसल को मिलेंगे तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, जर्की होगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसी होगी। ये ग्राफ बना हुआ है, ये देखें आप,
ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को दिखाया गया टाइम के साथ साथ, किस तरह कभी बढ़ती कभी कम, कभी बढ़ती कभी कम। लेकिन हमें इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें बॉडी के लिए फंक्शन परफॉर्म करना है बॉडी ने, तो स्मूथ मसल की मसल्स की स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। तो इसलिए फिर क्या करता है कि बेशक सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का आ रहा है या बेशक सिग्नल की इंटेंसिटी कभी बढ़ रही कभी कम हो रही, लेकिन मसल स्पिंडल क्या करता है, जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन इस तरह की जो प्रोड्यूस हुई है, इस डैम्पिंग का फिनामिना क्या होता है कि मतलब ओसिलेशन या जर्क्स जो हैं, ये जो है जर्क्स, इनको ख़त्म इस तरह करता है कि अल्टीमेटली ख़त्म होकर बिल्कुल ये जो पहले इस तरह का था, मतलब पैटर्न, ये पैटर्न था जर्क्स का या इस तरीके से मसल की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थी, ये स्मूथ होते होते कैसे हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो इस तरीके से स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बेशक सिग्नल जो है वो चेंजिंग इंटेंसिटी का आ रहा है, लेकिन ये क्या करता है उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ ही करवाता है। तो ये यहाँ पे कर्व्स शो किए गए दो, ए और बी। कर्व ए एक ऐसे पर्सन का है जिसके ऊपर मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स परफॉर्म किया गया, लेकिन उसका मसल स्पिंडल अपरेटस जो है ये इंटैक्ट है, तो ये देखिए स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ऐसा पर्सन जिसका इंटैक्ट ना हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, बहुत जर्की होगी, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं एवरेजिंग फंक्शन ऑफ द मसल स्पिंडल। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।